वेलकम अगेन फ्रेंड्स विथ ए न्यू टॉपिक 3D फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। तो देखो भाई, ग्लूकोज की जो होती हैं वो दो टाइप की फॉर्म स्लाइस करती हैं, क्या तो वो फॉर्म साइक्लिक होगी या वो एसाइक्लिक होगी। एसाइक्लिक फॉर्म का मतलब वो ओपन चैन स्ट्रक्चर होगी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं विद द ओपन चैन स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीन ऑफ ओपन चैन स्ट्रक्चर? ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन बाई ए नेम एल्डो हेक्सोज। व्हाट इज द मीन ऑफ एल्डो हेक्सोज? एल्डो का मतलब होता है एल्डिहाइड। एल्डो मीन्स इज एल्डिहाइड, हेक्स मीन्स इज दिस इज सिक्स मेंबर्ड कार्बन चैन एंड ओज इज ए सफिक्स। ओके, सो द ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज CHO तो फ्रेंड्स दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मेंबर, 6 कार्बन मेंबर रिंग्स, सॉरी ओपन चैन स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि H और OH का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो देखो OH, OH, OH और OH, इसको एक बार ध्यान से देख लो कि OH OH मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, बाकी जो बच गया उस पर HH लगा दो। ठीक है, तो ये आपको क्या एक तरीके से रटनी पड़ेगी। मैं तो सीधी सीधी बात बताऊँ तो कि ग्लूकोज की जो ओपन चैन स्ट्रक्चर होती है वो रटनी पड़ेगी बस आपको। उसके बाद में जितनी भी बच गई इससे इससे कैसे साइक्लिक बनाना है, कैसे फीचर और बनानी है, इसकी कैसे हावर्थ बनानी है, कैसे वेजडेस बनाना है, वो सब मैं बता दूंगा। फंडा है सबका, देखो कैसे होंगी। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, CHO है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ऑक्सीजन और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या बनती है, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन यही है, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OH, H, H, OH एंड H। अब ये जो फिफ्थ नंबर का कार्बन होगा ना, देखो फिफ्थ नंबर का जो कार्बन ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो पहले से है OH पे। अब ये क्या होगा कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा कार्बन की तरफ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ में। तो देखो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, अभी देखना आप। तो देखो फ्रेंड्स क्या हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये ऑक्सीजन और जो कार्बन है इसके बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन जनरेट होगा जिससे एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। ये देखो यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से ब्रेक होकर यहाँ से निकला है, भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये निकल गया। अब ये किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा, प्लस जाएगा माइनस के पास में, ठीक है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। अब यानी कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, इस हाइड्रोजन जाके यहाँ पे सेट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, तो एट लास्ट देखो इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है इस पे जाके अटैच हो गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे ये जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये साइकिल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ ध्यान रखना कि ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये सिर्फ एक रिंग है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये किसकी बनी है? अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैंने इसको अल्फा डी ग्लूकोज कैसे कह दिया, इसलिए कह दिया क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर थी ना फर्स्ट वाली, मैंने कहा था रट लो, ये थी भाई डी ग्लूकोज की, ठीक है। अब जो फर्स्ट जो कार्बन है उसके ऊपर अगर OH राइट साइड में है तो उसको हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट साइड में है तो कहेंगे क्या, बीटा डी ग्लूकोज। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। सो देखो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या आ गया, OH जो है वो राइट हैंड पे है, ठीक है कि नहीं है, और दूसरे वाले में लेफ्ट हैंड के ऊपर है। तो मैंने कहा था अगर राइट हैंड पे होगा तो हम उसको अल्फा बोलेंगे और लेफ्ट हैंड पे होगा तो बीटा बोलेंगे। तो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। ओके फ्रेंड्स, अब दिस ये जो हमने बनाया है दिस इज फिशर स्ट्रक्चर और फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला।
अब फिशर प्रोजेक्शन के अलावा इसके हावर्थ प्रोजेक्शन भी होते हैं, और क्या होता है कि वेजडेस भी होता है, तो हम वो देखते हैं कि वो कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए, जैसे मैं अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका मैं बनाता हूँ हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन में देखो कि ये जो रिंग है, उस रिंग में गिनो कितने मेंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। पांच तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 6 मेंबर रिंग मैं यहाँ पे बना देता हूँ। 6 मेंबर रिंग देखो कैसे बनेगी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे बनती है। देखो, दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग। ओके फ्रेंड्स, अब 6 मेंबर्ड रिंग जब बन चुकी है, तो दो ग्रुप्स यहाँ पे अटैच होंगे भाई, एक लेफ्ट में जुड़ रहा है, जैसे ओ, एक ओ एच, एक एच, एक ओ एच, एक एच, एक एच, एक ओ एच, तो इसलिए मेरे को ये बनाना पड़ रहा है। अब देखो, आप जो भी फिशर प्रोजेक्शन के अंदर राइट हैंड के ऊपर आता है, उसको आप नीचे ले लो हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर। जैसे कि मैं कार्बन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ, तो इधर ओ एच क्या है, राइट हैंड पे है, तो इसको यहाँ पे कहाँ पे लोगे आप, नीचे की तरफ लोगे ओ एच। इसी तरह से सेकेंड नंबर के कार्बन, ओके फ्रेंड्स, अब सेकेंड नंबर के कार्बन के अंदर हम देखते हैं वही ओ एच जो ग्रुप है वो फिर से नीचे आ जाएगा। फिर थर्ड ग्रुप के थर्ड नंबर कार्बन पे आ जाओ, एच आ जाएगा। फिर फोर्थ नंबर पे ओ एच आ जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर पे, अब यहाँ पे देख लो कि सी एच टू ओ एच हमेशा ही ऊपर आता है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो फिफ्थ नंबर कार्बन के ऊपर। भाई ओ एच आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एच डिफाइन कर पा रहे हो कि एच कहाँ है, लेफ्ट में, और जो भी चीज़ लेफ्ट में होगी वो कहाँ आती है, नीचे आती है। तो ईजी है कि भाई ये नीचे आ जाएगा। तो मैं इन दोनों की स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर आप मैच कर लो। सो देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया है। अब आप देख लो आराम से कि जो राइट हैंड के ऊपर है उसको हम नीचे रखेंगे। तो देखो यहाँ पे ओ एच है, फिर मैंने इसको नीचे रख दिया। फिर यहाँ पे नंबर देखो, मैं नंबरिंग कर देता हूँ एक बार, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर का कार्बन है। तो फर्स्ट नंबर पे ओ एच नीचे है, यहाँ पे भी इसकी नंबरिंग कैसी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। सेम यहाँ पे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जो भी राइट हैंड पे उसको नीचे ले लो, लेफ्ट हैंड वाला ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी, फिफ्थ नंबर कार्बन के ऊपर आएगी। तो फिफ्थ नंबर कार्बन के ऊपर आप आसानी से देख सकते हो कि आपको ओ एच डिफाइन करने में दिक्कत हो रही है, एच तो डिफाइन कर पा रहे हो इजीली, तो जो लेफ्ट में है उसको क्या कर दो, नीचे ले लो। तो फिफ्थ नंबर पे ये आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है कि जो राइट में है वो डाउन जाएगा और जो लेफ्ट में है वो अप जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इनका वेजडेस प्रोजेक्शन। सो ओके फ्रेंड्स, वी ड्राइव द हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हियर। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। देन वी विल बी डिस्कस अबाउट वेज और डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, अब वेज डैश बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कि ये जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, आउटर मोजस का स्केलेटन है, पहले वो ड्राइव कर लो आप इजीली। ये ड्राइव हो गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अंदर ध्यान देना कि जो अब ऊपर है उसको हमेशा वेज पर लेके आना है। तो आप क्या करोगे, हर जगह पर एक वेज और एक डैश ड्राइव कर दोगे। ओके, तो देखना कैसे बनता है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसका वेज डैश बना लिया है, यानी कि पहले इसका आप स्केलेटन बना लो, फिर हर कार्बन एटम के ऊपर आप एक वेज और एक डैश, एक वेज और एक डैश का फॉर्मेशन कर लो। अब ग्रुप कैसे अटैच करोगे वो देखो, कि जो ऊपर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एच दिख रहा है, यहाँ पर सी एच टू ओ एच दिख रहा है, यहाँ पर एच दिख रहा है, यहाँ ओ एच दिख रहा है, यहाँ एच दिख रहा है, तो जो भी ऊपर दिख रहा है ना वो वेज पर ले लो। क्यों? क्योंकि ये, अब मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली नहीं समझा पा रहा हूँ, बाकी जो वेज होता है, वेज का मतलब ये होता है कि देखने वाले के मुंह की तरफ होता है ये, ठीक है। यानी एक खंबा मान के चलो आप इसको, कि ऊपर की तरफ एक है, नीचे की तरफ एक है, ऐसे ही ऊपर की तरफ एक है, नीचे की तरफ एक है, और बीच में ये बॉडी स्केलेटन बना हुआ है इसका, ठीक है। अब मैं देखो कैसे लिखता हूँ, जो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि जो ऊपर है उसको वेज पर ले लो। वेज पर कैसे लोगे, एच यहाँ पे, कार्बन नंबर 2 की बात करूँ तो इस पे क्या है, एच है। कार्बन नंबर 3 पे क्या है, ओ एच है। कार्बन नंबर 4 पे क्या है, एच है। कार्बन नंबर 5 पे क्या है, अब यहाँ देखो हमेशा सी एच टू ओ एच क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा, है कि नहीं। फिर और जो वेज पर बच गया वो वेज पर लिख दो यूँ क्यों, जो भी है। जैसे कि अब 1 पे आता हूँ, वापस क्या है, ओ एच है। जो नीचे है वो सब वेज पे आ जाएगा, सॉरी डैश पे आ जाएगा, ओ एच। फिर 3 पे क्या आ जाएगा, एच। इसी तरह से 4 पे क्या आ जाएगा, ओ एच।
इसी तरह से यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। सो ये हमने क्या कर लिया, वेस्टेस प्रोजेक्शन कर लिया इसका, किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। अब एक काम करो, वीडियो को स्टॉप करो और खुद एक बार इसकी पोजीशन को ड्राइव करने की कोशिश करो, वरना फिर मैं तो बनाता ही हूँ, ठीक है। चलो मैं करो, एक बार पॉज करो और फिर देखो। सो फ्रेंड, दिस इज़ बीटा डी ग्लूकोज। अगर आपने बना लिया है बहुत अच्छी बात, अगर आप नहीं बना पाए हैं तो आप एक बार फिर से ट्राई करो, मैं आपको ये बार बार नहीं समझाऊंगा। सीधी सी बात है, जो ऊपर आपको दिख रहा है उसको आप कहाँ लेके आएंगे, वैस के ऊपर लेके आएंगे, जो नीचे दिख रहा है उसको डैस पर लेके आएंगे। डैस का मतलब, वैस का मतलब क्या है, ये जो गहरी वाली लाइन है इसका मतलब वैस होता है, हल्की वाली लाइन है इसका मतलब डैस होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द 3D फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। अब आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं कैमरे को रोक के थोड़ा वीडियो को आसानी से दिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है, सब बस घुमा घुमा के वही कुल मिला के कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एक बार आप करके देखोगे इजीली हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज़ ऑल अबाउट 3D फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू अंडरस्टैंड वीडियो इन इजीएस्ट वे, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज मच एज यू कैन डू। ओके फ्रेंड्स, सो हैप्पी न्यू ईयर एडवांस, बाद में मैं फिर करता हूँ। ओके बाय।